है ना? चुप कर और दूसरे मर्दों के पोपट की तारीफ करना बंद कर। खूबसूरत खूबसूरत औरत को देखकर वो पागल हो जाता है। हाँ। हाँ। इसलिए डैड मैंने आपको करजाते के ठरकी पोपट से बचाने के लिए अंदर लॉक कर दिया। अरे सर वो पोपट अपनी हरकतों की वजह से बैंकॉक में भी काफी बदनाम है। मैं शक्ल से पोपट लगता हूँ? नहीं नहीं, मेरा पोपट बनाना बंद करो। और बेटा मुझे एक बात बता, ये तुम्हारा कमीना दोस्त रॉकी नहीं दिख रहा है? वैसे अगर मुझे फोन नहीं करता तो मैं इधर नहीं आता। पर कैसे नहीं आता, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है। रॉकी रॉकी इसकी शक्ल मुझे रॉकी की याद दिला रही है। रॉकी? कौन रॉकी? बड़ा ही बेशरम और घटिया किस्म का आदमी था, उसकी वजह से इसकी जो नानी है ना सुपर नानी बन गई, यानी कि मर गई। रॉकी मेरा चेहरा उसके साथ कैसे मिलता जुलता है? ये देखिए, ये कैसे हो सकता है, ये देखिए। हाँ यार ये तो बहुत बड़ा है। ओह माय गॉड, सॉरी 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 यार, हाउ स्टूपिड ऑफ मी। I forgive you. वैसे बेटा एक बात तो बताओ, ये करजातिया इनको तुम्हारा बाप क्यों बोल रहा था? बाप? बाप नहीं, 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 ये बॉस है मेरे। पर जब से मैं यहाँ आया हूँ इन्होंने मुझे अपने बेटे जैसा रखा है। इन्होंने मेरे उस टैलेंट को देखा जो पहले आपने कभी नहीं देखा, इसीलिए करजाते जी की आंखों में ये मेरे पिता समान है। वैसे ये सच में किसी के पिता है या अब तक कुंवारे हैं? तू क्यों जानने के लिए उछल रही है? बस जनरल नॉलेज के लिए। जनरली तुम्हारी जो जनरल नॉलेज है ना सिर्फ बेडरूम तक सीमित है। वैसे बेटा ये नेपाली कौन है? ये तो मैं वो हूँ जिसने इसके उस टैलेंट को देखा है जो इसके बाप ने भी नहीं देखा है। यानी कि ये इनके बाप की तरह है। और वो जो तीन चार यहाँ थे वो कौन? हम फ्रंट एंड है, वो बैक एंड है, और हम सब एक साथ काम में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। अरे तुम लोग काम क्या करते हो? और गैनिक सैंडविच की हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उधर सब अलट पलट होके एक साथ काम करते हैं। कभी आइए आपको चटनी चखाएंगे। आप बहुत थक गए होंगे, मैं जरा आराम कर लेता हूँ। आप थक गए होंगे, आप जरा आराम कर लीजिए। आइए मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ, आइए जाइए। निकल चुकी है। यार कन्हैया की मासी तो मुझे खोल के दे रही है। लाइन। अरे कन्हैया की सौतेली जवान मैया तुझे बनाना चाहती है सैया, तेरे साथ डुएट गाने के फुल मूड में। चुप, बोल से भी कन्हैया के सामने ये बात मत बोलना। क्यों? वरना वो मेरी हड्डियां तोड़ देगा। उसे बस अपनी राधा के साथ बांसुरी बजाने दे। ये देख हमें काम पे लगा के साला खुद सो रहा है। अबे उठ उठ। अरे पुत्र उठा ले अपने चित्तर। अरे सारा दिन ऐसे सपने देखता रहेगा ना तो तेरा अमीर बनने का सपना एक दिन पानी में घुस जाएगा। अबे साले मतलब क्या तेरा? अरे मतलब ये है कि नए डीपी के चक्कर में क्लाइंट ने मेरा बीपी हाई कर रखा है। अरे इसको समझाना, मेरा वो धंधा है जिसमें रोज खड़ा होता नया बंदा है। अरे और इस काम के लिए वैसे भी मुझे सिर्फ दो चीजों की जरूरत है यार, एक कैमरा और कमरा, वेरी सिंपल। एक मिनट, ये सारे कंफ्यूजन में तो फिल्म कैसे शूट करेगा? अरे टेंशन मत लो, ऐसी खुफिया शूटिंग करूंगा कि किसी के बाप को भी पता नहीं चलेगा। कलीम, एक अदनासी कली हिंदुस्तान की मलिका कभी भी नहीं बन सकती। चंपा कली कोई मामूली कली नहीं, कच्ची कली है। गोरी गोरी पान फुला सर की छान। अगर आप इसे अपना शाही टुकड़ा दे, अगर ऐसी बात है तो हम इस कली को दीवार में चिनवाएंगे नहीं, जन्नत में ले जाएंगे। Come on, बेबी। आपका शाही टुकड़ा देख के हमें डर लग रहा है जहाँ पनाह। जब प्यार किया तो डरना क्या। बाबूजी मुगलाई खाना खाने के लिए रुके हैं। अरे पांच मिनट रुक जा, सिर्फ क्लाइमेक्स बाकी है, जल्दी कर, तू जल्दी कर। ए, रुक, सीक्रेट कोड क्या है? अरे अपनी सक्कू होगी, सक्कू ऐसी आवाजें वही निकलती है, चल उसको जल्दी अंदर ले। हा।
अबे वो गुंगी बेरी बुआ बाहर खड़ी है। आई होप उसने कुछ देखा नहीं हो। अगर देखा होगा तो शौक से अंधी भी हो जाएगी। तुम लोग से छुप के हो, छुप के हो। हे रॉकी, ये सब क्या चल रहा है? एक्चुअली बैंकॉक का जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए हम एक प्ले कर रहे हैं, पवित्र रिश्ते, उसकी रिहर्सल कर रहे थे। लेकिन ये लड़की इनके आगे झुककर क्या कर रही थी? वो एक्चुअली खाने से पहले अपने पिता के चरण धो रही है। खाने के पहले तो हाथ धोते, चरण कौन धोता है? हमारे खानदान में खाने से पहले सब कुछ धोते हैं। क्यों? क्योंकि हम खाने से पहले हाथ जोड़कर ईश्वर को थैंक यू कहते हैं, क्योंकि ईश्वर को स्वच्छ मन और स्वच्छ तन से याद किया जाता है, है ना? हे ऊपर वाले संभाले। राधा के बिना शाम आधा कहते राधे शाम, बोलो राधे 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 बोलो राधे। राधा के बिना शाम आधा आधा आधा। यहाँ थाईलैंड में रहकर भी आप सब आपकी सभ्यता, आपकी परंपरा, आपके संस्कार को नहीं भूले, ये देखकर मन अति प्रसन्न हुआ है। क्यों ना हम सब कल पिकनिक पे चलें, ताकि एक दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह से जान सकेंगे, पहचान सकेंगे। एक और बात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी प्यारी बहन सिंदूर, जिसने अपनी सुहागरात पे ही अपना पति और अपनी आवाज दोनों को खो दिया, जिसके चेहरे पर मैंने सदा मायूसी ही देखी, जिसकी आंखों में मैंने हमेशा आंसू ही देखे, उसके चेहरे पर आज इतने सालों के बाद मैं मुस्कुराहट देख रहा हूँ। राधा के बिना शाम आधा कहते राधे शाम, बोलो राधे 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 बोलो राधे। राधा के बिना शाम खुशी तो दूर, वो खुशी खुशी यहाँ हमारे सबके साथ। मैं आपके लिए और कन्हैया की माँ के लिए खीर निकाल कर रहा था। क्या? नहीं, मेरा मतलब है मैं आप सबके लिए खीर निकाल के ले आता हूँ। हेलो सर। ये बाबा जी की बूटी, कन्हैया के बाबूजी और उसकी मासी की टूटी फूटी मोहब्बत को फिर से टूटी फूटी बना देगी। खीर आ गई है, सबको खिलाओ। ये आपके लिए। थैंक यू। ये आपके लिए बहुत बढ़िया खीर है। पा 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 पा।
आज तुम्हें हो क्या गया है? थक ही नहीं रहे हो? Plan successful. इस वक्त कौन हो सकता है? मैं देखता हूं. कन्हैया की मासी आई है. बिल्डिंग के नीचे छुप जा. बिल्डिंग मतलब बेड के नीचे छुप जा. छुप जा, जल्दी करो, छुप जा. मेरी मूंछ का, मेरी मूंछ का, मेरी मूंछ का. आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? खुद मैसेज करके पूछते हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैंने मैसेज किया? Naughty boy. Let's have fun. पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो. ये तो कन्हैया की आवाज है. तुम यहाँ क्या कर रही हो? कन्हैया दरवाजा खोलो. बाबूजी. कन्हैया सब कुछ ठीक तो है? मैंने हाँ बाबूजी चिल्लाने की आवाज सुनी. नहीं बाबूजी, कोई टेंशन नहीं, जाइए ना, सो जाइए, देर हो गई है. हाँ. मैं भी सो जाऊंगा. हाँ. ओके. अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज. कम ऑन बेबी. कोई आ गया तो कम ऑन, प्रॉब्लम हो जाएगी. नो वन विल कम, ओनली वी विल कम. देखिए कन्हैया मुझे कभी माफ नहीं करेगा. मैं तो चाहती हूँ कि तुम उसके साथ ऐसा रिश्ता बनाओ जो उसके पापा भी नहीं बना पाए. कौन सा रिश्ता? कैसा रिश्ता? एक दोस्त का. अरे दोस्त ही तो हूँ मैं उसका, मतलब दोस्त भी तो हूँ मैं उसका. तो आओ ना, इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं अभी इसी वक्त. शालू तुम्हें पता है ना लाल रंग से मैं. अरे ये क्या कर रही हो? I didn't mean that. नहीं 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 नहीं. You're okay? Focus कन्हैया, focus, 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 focus. कन्हैया. तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार. Come on baby. अभी नहीं, अभी नहीं. बाबूजी फिर से आ गए तो? I don't care. जब से तुम्हें देखा है दिल में बार बार एक ही ख्याल आता है. कौन सा? सुबह होने ना दे, शाम खोने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे. मैं तेरा हीरो? हाँ. वो मेरी फेवरेट फिल्म है. मैं भी ड्यूटी लेकर आता हूँ. अरे कहाँ जा रहे हो? ड्यूटी लेकर आता हूँ. अब मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी मिल जाए. You mean खो जाए? Yeah, yeah, whatever. चलो प्रेम. तुम मेरे पीछे पीछे क्या घूम रहे हो? मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी सो जाओ इस सकरू के साथ. ओ गुड नाइट. बोला था ना तुम्हें बाबूजी फिर से आ जाएंगे. अब चुप जाओ, चुप जाओ, चुप चुप जाओ. अबे तू इस वक्त मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहा है? अबे तेरी मासी ने मुझे. क्या हुआ? अबे तेरी मासी मेरे कमरे में है, मुझे तेरा बाप बनाने पे तुली हुई है. 10 मिनट और रुकता ना तो 9 महीने बाद हमारी औलाद तुझे भैया बुलाती. कुत्ते, तूने उनके साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? अबे कुछ करना होता तो क्या मैं यहाँ होता? चल दिखा दो. Yes, yes, yeah. Early to bed and early to rise. How can I? Next man, healthy, healthy and wise.